हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, मालिया गिरी, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मालिया गिरी मूवी को लेके हिंदी वर्जन, जी हाँ दोस्तों, हिंदी में भी रिलीज हो रही है। आप सभी को पता है पैन इंडिया में रिलीज हो रही है। बाबू सान सर मोहंती हैं इसमें, एमलोन भाई दिखेंगे जो कि रिसेंटली उनकी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है भाई मूवी। ये दो बड़े सुपरस्टार है हॉलीवुड से दोस्तों। तो दोस्तों, अभी सवाल ये है कि हॉलीवुड इंडस्ट्रीज की मच अवेटेड मूवी मालिया गिरी का हिंदी में डिस्ट्रीब्यूटर कौन होएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लेके एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं न्यूज़ आ गई है दोस्तों, एक गुड न्यूज़ भी बोल सकते हैं इसको। अभी देखो गुड न्यूज़ क्या है, मैं बताता हूँ। जब भी कोई अदर इंडस्ट्रीज़ की मूवी आती है पैन इंडिया, तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा मैटर करती है। लोग देखते हैं कि इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं। देखो, अभी अगर हम देखा जाए बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, तो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर आ फिल्म्स नंबर वन पर आती है दोस्तों। आ फिल्म जब भी कोई मूवी को लाई है, वो मूवी कहीं ना कहीं धमाका हुई है दोस्तों। अगर एक दो फिल्म को छोड़ दिया, देखो बाहुबली को लाने वाला कौन था, आ फिल्म्स। कांतारा केजीएफ को लाने वाला कौन था, आ फिल्म्स। सॉरी यार, बाहुबली को लाने वाला करण जौहर था, कांतारा और केजीएफ को लाने वाला आ फिल्म्स था दोस्तों। तो इस बार भी आ फिल्म्स ला रहे हैं दोस्तों हॉलीवुड इंडस्ट्रीज की मच अवेटेड मूवी, जी हाँ दोस्तों, मालिया गिरी। तो गाइज, आ फिल्म्स से हमें बहुत भरोसा होता है, विश्वास होता है। देखो, आ फिल्म्स अगर अपनी मूवी को रिलीज करता है डिस्ट्रीब्यूट करके, तो सबसे बड़ी बात क्या होता है पता है, स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी स्क्रीन मिल जाती है आ फिल्म्स को दोस्तों। तो इस बार आपको मालिया गिरी को स्क्रीन देना ही पड़ेगा, क्योंकि आ फिल्म्स कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट दोस्तों। अगर हम बात करें दमन मूवी का, जब दमन मूवी रिलीज हुई थी, मुझे तो याद भी नहीं है अच्छे से यार, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था। हाँ, पनोरमा ने डिस्ट्रीब्यूट किया था दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर वही थे। तो गाइज, उस मूवी का अगर आप स्क्रीन देखो तो बहुत कम मिले थे, मतलब कि लिमिटेड मिला था। इस बार आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो अनलिमिटेड का। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दुआ करो कि कोई बड़ी बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म ना हो उसके आसपास, तो यार पक्का ना इसको मिलेगा, स्क्रीन दबा के फाड़ देगा भाई स्क्रीन में। अगर कॉन्टेंट अच्छी रही फिर तो भाई ऑडियंस को पसंद आएगी। हो सकता है नेक्स्ट कांतारा बन जाए, उसके जैसे चल जाए मूवी, नेक्स्ट कार्तिकेया 2 बन जाए, नेक्स्ट सीतारमन बन जाए, तो ये भी हो सकता है दोस्तों। तो गाइज, बस इतना ही। आपके हिसाब से क्या लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप कितना एक्साइटेड हो खासकर हमारी हिंदी ऑडियंस मालिया गिरी को हिंदी में देखने के लिए, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।